नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। विधानसभा चुनाव से पहले शिलान्यास और उद्घाटन का दौर जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में कंट्रोल कमांड सेंटर सहित कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बिहार के हर खेत को पानी पहुंचाने के सर्वे का कार्य हुआ पूरा। 28 लाख से ज्यादा प्लांटों का सर्वे का काम अभी बाकी। कोरोना काल में अंतर्राज्यीय बस परिचालन सेवा बहाल करने की तेज हुई कवायद। बिहार से झारखंड, यूपी, नेपाल के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी में जुटा विभाग। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिया बयान, कहा विकास के लिए एनडीए कर रही है मेहनत, विपक्ष में परिवार के अंदर चल रही है लड़ाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को बताया बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाकर लॉन्च किया वेबसाइट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का किया उद्घाटन, जल्द ही बसों का शुरू होगा परिचालन। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया परीक्षाओं की तारीख, दिसंबर से मार्च तक होने वाले सभी परीक्षाओं की तिथि की घोषित। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर राजद पर साधा निशाना, कहा विधानसभा चुनाव में राजद का हो जाएगा राजनीतिक तर्पण। शुक्रवार की देर शाम राबड़ी आवास पहुंचे रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा, सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव से की मुलाकात। भागलपुर विधानसभा सीट को लेकर लगाए जा रहे सभी कयासों पर लगा विराम, भागलपुर से एनडीए की ओर से भाजपा लड़ेगी चुनाव। शुक्रवार को भागलपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भागलपुर भाजपा की परंपरागत सीट, यहां से भाजपा ही लड़ेगी चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेम रंजन ने कहा भागलपुर सीट से पार्टी में टिकट के कई दावेदार, लेकिन संसदीय बोर्ड तय करेगा उम्मीदवार का नाम। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन ने कहा सूबे में बनेगी एनडीए की सरकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, रोशन सिंह सहित कई भाजपा नेता रहे मौजूद। 6 महीने बाद भी नहीं आई भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय में कॉपी बिक्री मामले की रिपोर्ट, पूर्व प्रभारी वीसी डॉक्टर एकेएस राय के समय बेची गई थी कॉपी। रिपोर्ट नहीं आने पर डॉक्टर एकेएस सिंह ने शो काउज का दिया निर्देश, सीनेट की बैठक में उठ सकता है कॉपी बिक्री का मामला। भागलपुर अनुमंडल कार्यालय में सरेआम उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, राशन कार्ड बनवाने आए लोग झुंड में हुए तब्दील। प्रतिदिन दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में भागलपुर अनुमंडल कार्यालय आते हैं लोग, झुंड बनाकर खड़े लोग कोरोना वायरस को सरेआम दे रहे हैं दावत। शहर में मास्क नहीं पहनने वालों से रोजाना जुर्माना वसूल रही है पुलिस, लेकिन अनुमंडल कार्यालय में लगने वाली भीड़ से बेखबर। चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस सख्त, चौक चौराहों पर सख्ती से की जा रही है वाहन की जांच, बिना हेलमेट और मास्क के नहीं निकले घर से बाहर। जिले में थमने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना का कहर, शुक्रवार को जिले में 123 कोरोना के नए मामले आए सामने। भागलपुर शहरी क्षेत्र में 18 लोग पाए गए संक्रमित, मायागंज अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक, पुलिसकर्मी सहित एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित। जिले में अब तक 6,919 लोग हुए हैं कोरोना से संक्रमित, जिसमें 6,265 लोगों ने दी है कोरोना को मात। शुक्रवार को शहर के भिखनपुर, तिलकामांझी, मशाकचक, मुंदीचक के लोगों की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिले में संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर हुआ 6,919। शहर में रोजाना लगने वाले जाम से शहरवासी परेशान, शहर के मुख्य बाजार में प्रतिदिन लगता है घंटों लंबा जाम। मौसम विभाग ने जताई आशंका, सुबह में बदल सकता है मौसम का मिजाज। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।